आपके जो धमकियां मिलती है पूरे पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को बैक टू बैक धमकियां मिल रही। हाल ही में सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरा मेल आया था, जिसके बाद सलमान खान की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। लगातार मिल रही धमकियों को नजरअंदाज न करते हुए सलमान खान ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, सलमान खान ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। सलमान खान ने निशान SUV को अपनी गाड़ी के काफिले में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। उनकी ओर से ये फैसला तमाम सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। सलमान खान ने निशान गाड़ी को इम्पोर्ट किया है, जिसे साउथ एशिया बाजार में सबसे लोकप्रिय और महंगी गाड़ियों में से SUV को एक माना जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी सुरक्षा के नजरिए से काफी ज्यादा खास है। आपको बता दी 18 मार्च को सलमान खान को धमकी भरा मेल आया था। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब आपको बताते हैं कि मेल में क्या लिखा था। गोल्डी बराड, तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है, इंटरव्यू में देख लिया होगा, शायद नहीं देखा होगा तो बोल दियो कि देख लेना, मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो वो भी बता दो, अभी टाइम रहता है इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने दबंग खान यानी सलमान खान को टारगेट बनाया हुआ है। दोनों तरफ से सलमान खान को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। सलमान खान के घर और फार्म हाउस की भी रेकी भी लोवे लोग करा चुके हैं। एक बार उन्होंने सलमान खान पर अटैक करने का प्लान भी बनाया था, फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती की, लेकिन सलमान खान की तगड़ी सिक्योरिटी या दूसरी वजहों से गैंगस्टर का प्लान अंजाम तक नहीं पहुँच सका। लॉरेंस बिश्नोई की मांग है कि सलमान खान उनसे और उनके समुदाय से माफी मांगे। सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार के मामले में सामने आया था, इसलिए वो सलमान खान से नाराज है और सलमान खान को सबक सिखाना चाहते हैं। अब आपको इसी कड़ी में बता दें कि सलमान खान ने पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से मिल रही धमकियों पर रिएक्ट किया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सलमान खान ने पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से मिल रही धमकियों का रिएक्ट किया है। एक अवार्ड शो की कॉन्फ्रेंस में सलमान खान से पूछा गया, आप पूरे इंडिया के भाईजान हैं, आपको जो धमकियां मिल रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सलमान खान ने इस सवाल का ऐसा जवाब दे डाला कि सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हो रही हैं। सलमान ने कहा कि पूरे इंडिया के भाईजान नहीं हैं, कि जान भी हैं, तारों की जान भी है। हम भाईजान उनके लिए है जो भाई है, और उनके लिए है जिन्हें हम बहन बनाते हैं। तो दोस्तों, सलमान खान के इस रिएक्शन पे आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.